हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, अभी अभी एक जो है आपको खबर मिल रही है कि रेलवे में रिक्रूटमेंट जो है वो होने लगे हैं। ओके, और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सोशल मीडियाज़ पर कई जगह पर जो है वायरल हो रहा है। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 5,400 कुछ वैकेंसीज़ हैं। ओके, तो इनके बारे में बात करेंगे। ग्रुप डे की भर्ती हैं, चपरासी की भर्ती हैं। ठीक है, तो इन भर्तियों का एक्चुअल में क्या जो है सच्चाई है, क्या ये रियल भर्ती हैं या फिर जो है आपसे मजाक किया जा रहा है, या फिर ऐसा है कि ये रेलवे का रिक्रूटमेंट नहीं होकर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वो रिक्रूटमेंट है, तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आगे चल के रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन करने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें चपरासियों की और सफाई कर्मी वालियों की। ठीक है, और सफाई कर्मियों के लिए बता दूं मैं ऑलरेडी जो है आपको, आप 2-3 दिन पहले जाकर देखें तो आपको न्यूज़ मिलेगी कि जो सफाई कर्मी हैं उनको जो है हटाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो चपरासी और सफाई कर्मी थी उनकी छटनी की जा रही है, बहुत सारे जो है उनको हटा दिया गया है। ओके, और आपने उससे पहले जो नोटिफिकेशन देखा था कि MTS में जो मल्टीटास्किंग वाले जो लोग होंगे उनसे ज़्यादा काम कराया जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उनसे सफाई वाला काम कराया जाएगा, लेकिन उनसे भी जो है उनमें से भी जो है छटनी कराई जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है न्यूज़ में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, और एक जो है हम कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला जो है वो भी देखेंगे कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने जो है न्यूज़ दी है और क्या जो है वैकेंसीज दी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो है इस प्रकार से दिख जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है 9 तारीख का है। ठीक है, अंतिम जो है जहाँ पर लिख सॉरी अंतिम डेट लिखी है सॉरी ये। ठीक है, उसकी बात तो अलग है। यहाँ पर आपको अवैस्तरण इन्फोटेक करके लिख गया, भारतीय रेल विभाग के यहाँ पर लिख गया। ठीक है, और ये जो है मेरे को 2 दिन पहले ही मिल गया था आई थिंक। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो है कुछ ज़्यादा जगहों पर दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयु वगैरह लिखी है और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, इस विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अर्हता पूरी करने वाले विज्ञप्ति के समस्त जो है शर्तों को स्वीकार करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी हमारी वेबसाइट जो है इस पर उपलब्ध विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप को ऑनलाइन भरकर जमा करें। ठीक है, तो ये जो है इसकी वेबसाइट जो है ऑलरेडी यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पर ही हमने जाकर देखा, तो हमें जो देखिए पहले बता दूँ और बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर जाकर देखा, तो इसकी जो है मैं आपको एक इमेज दिखा दूँगा। ठीक है, बाकी अभी जो है ये जो है खुल नहीं रही है। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, तो ये जो है एक न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर की कटिंग में देखिए आपको यहाँ पर ये जो है ये दिख जाएगा कि भाई इस न्यूज़पेपर में भी ये भारतीय रेलवे और अवैस्तरण इन्फोटेक के बारे में बात करेगा। ये वही जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि एक ऑफिशियल जो है न्यूज़पेपर में आया है। तो इस ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी बस यही बात करी गई है भाई इनके बारे में कि भाई ये जो है न्यूज़पेपर में बताया गया कि भाई इतनी वैकेंसीज जो है आई हुई हैं। ठीक है, तो ये लगता है कि भाई ऑफिशियल है क्योंकि जो है न्यूज़पेपर में गया और एडवर्टाइजमेंट जो है आया हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने जो है इस पर अप्लाई किया है। तो भाई क्या है इसकी पूरी कहानी, इसमें हम देखने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम चलते हैं अवैस्तरण इन्फोटेक पर। ठीक है, ओके, इस पर देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो है इस पर अगर इस प्रकार मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, ओके, ये ओपन नहीं हो रहा है, ये खुल नहीं रहा है कि भाई इसकी जो है ये इन्होंने मना कर दिया कि भाई ये खोल नहीं रहे। एक्चुअली हुआ क्या, आज कल जो है सुबह तक जो है ये जो ओपन हो रहा था इसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा था और 750 रुपये आपको भरने होंगे ऑनलाइन। ठीक है, ओके, 750 रुपये की जो है आपको पैसे देने पड़ते थे कि 750 रुपये आपको देने होंगे जिसके उसके बाद ही आप फॉर्म जो है आगे भर पाएंगे। ठीक है, और आगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है उसका दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उनका भी जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है उन्होंने बात करी है, ये वैकेंसीज कितनी थी, वैकेंसीज थी 5,485 वैकेंसीज थी, जिसमें देखिए ये जगह जगह वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अवैस्तरण इन्फोटेक में यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी जगह पर जहाँ पर जॉब थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये जो है इसकी जो है अवैस्तरण इन्फोटेक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे शैक्षणिक जो है ये देखिए ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके,
ये पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर है, ये क्वालिफिकेशन ये है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये जो है आवेदन जो है आपको ये दिख गया, और यहाँ पर देखिए दिनांक जो थी वो 7/8/2020 थी, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है समझ में आई होगी क्या है। तो ये सारा चीज़ जो है वो एक प्राइवेटेशनल के लिए, प्राइवेट जो है जॉब के लिए, और जो गवर्नमेंट रेलवे जो है प्राइवेट जो है चीज़ें प्राइवेट जो है रिक्रूटमेंट कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है रिक्रूटमेंट कराएगा, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रिक्रूटमेंट जो है हो रही है, और मोर जो है बहुत सारे जो है अब हो सकता है, बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन जो है आपको आएँ, और बहुत सारे विज्ञप्ति आपको आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सैलरी वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई सैलरी इतनी इतनी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये अवस्था की रिक्त जैसे कि ये बोला है, वो लोग जो ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं कोई शुल्क अदा करेंगे, ठीक है, कोई शुल्क अदा करेंगे, और आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार कि जो है के लिए जो हम जिम्मेदार नहीं है, प्लीज़ अपने माता पिता, भर्ती, रेलवे प्राधिकरण, अन्य स्रोतों के बाद अवस्था इन्फोटेक रिक्तियों को भरें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में बताया है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि 750 रुपये जो लगेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अंतिम तिथि वगैरह जो है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, ये सारी तिथि आपको दिख जाएंगी, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, ओके, और ये अंतिम तिथि थी, ठीक है, ओके, आवेदन की अंतिम तिथि थी भाई। तो आज जो है लास्ट डेट थी, 10/9 की लास्ट डेट थी जिस दिन मैं बना रहा हूँ, ओके। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अब जो है रेलवे प्राइवेटेशन के बारे में जो है अब होने लगा है सारी चीज़ें, ओके। तो क्या आप इतना नहीं आपको दिमाग लगाना ही है भाई कि भाई इतना जो प्राइवेटेशन हो रहा है, तो अब थोड़ा सा और जो है हमें जो मैंने जो बोला था बहुत पहले कि भाई स्टॉप प्राइवेटेशन करके मैंने जो है कैंपेन चलाया हुआ है, तो स्टॉप प्राइवेटेशन को जो है सपोर्ट करिए, ठीक है, ओके। और फ्रेंड्स बता दूँ मैं आपको कि भाई जो आप जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट हैं ऐसे जो है ट्विटर पर आते हैं, ट्विटर पर आइए भाई, और गवर्नमेंट की इतने भी जो पोर्टल्स होते हैं या फिर जो भी ट्विटर हैंडल होते हैं, तो उस पर स्टॉप प्राइवेटेशन का जो है आप जो है लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा था SSCGL जो SSC CHL और MTS का जो इसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें भी हमने इस प्रकार चलाया था, तो उसका भी रिजल्ट जो है अभी आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको लगी हो कि हाँ आपके काम की है, तो इस वीडियो को शेयर करिए, ओके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।